जय जगन्नाथ बंधुगण, आज आम जाना 19 अगस्त 2023 शनिवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। दैनिक राशिफल चंद्र को गोचर गणना को नहीं आधारित, एवं चंद्र को गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आज तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हूँ 19 अगस्त 2023 शनिवार, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया, रात्र 10 घंटा 20 मिनिट गति चतुर्थी। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात्र 1 घंटा 47 मिनिट गति हस्ता नक्षत्र। आज सिंह चंद्र, प्रात 5 घंटा 41 मिनिट गति कन्या चंद्र। आज सांवत्सरिक श्राद्ध तृतीयार एकधिष्ट और पार्वण। आज शुभ बेला दिवा 9 घंटा 49 मिनिट रु दिवा 1 घंटा 14 मिनिट पर्यंत। आज सूर्योदय प्रात 5 घंटा 33 मिनिट। आज सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 21 मिनिट। आज वृष राशि पुरुष और धनु राशि महिला मानक घात चंद्र, एवं वृष सिंह और कन्या राशि घात बार। आज पोटल खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आज राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आसछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरी थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु, काहेकि ना आमे अपलोड करितबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपणंक राशि स्थान रु चंद्रदेवंक षष्ठ भाव रे गोचर राजकीय सम्मान तथा सहयोग प्राप्त कराइब, एवं आपणंक अटकीथिबा समस्त कार्यरे प्रगति हेब। आपणंक बुद्धि बल तथा पराक्रम रे वृद्धि घटिब, एवं आपण निज समस्त शत्रु को परास्त करिबारे सफल हेबे। पारिवारिक जीवन रे पैतृक संपत्ति लाभ हेबार प्रबल जोग रहिछि, एवं परिवार रे सुख समृद्धि आसिब। भविष्यत योजना विषय रे चर्चा करिबे, एवं समस्त समस्यार समाधान खोजिबारे सफल हेबे। किंतु जीवन साथीक स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु। संतान पक्षरु सुखद समाचार पाई प्रसन्नता अनुभव करिबे। माता पक्षरु सहयोग मिलिब, एवं आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि तथा आपण ऋण भाररु मध्य मुक्ति पाइबे। किंतु धनर अपव्यय ठारु आपण दूरै रहंतु। व्यवसाय रे धीर किंतु आशाजनक प्रगति हेब। अधिकारी वर्गंक सहयोगरु समस्त कार्यरे सफलता अर्जन करिबे, एवं विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु गुरुजनंक आशीर्वाद प्राप्ति हेब। पुरुणा स्वास्थ्य समस्यारु मुक्ति मिलिब। शारीरिक ओ मानसिक रूपरे सुस्थ तथा स्फूर्तिवान अनुभव करिबे। आज आपण ओम नमः शिवाय मंत्रर जप करंतु, शुभ फल पाइबे। वृष राशि चंद्रदेवंक आपणंक पंचम भावरे गोचर समस्त वर्गर विद्यार्थी मानंकु शुभ परिणाम प्रदान करिब, एवं शिक्षा क्षेत्र रे आसुथिबा अवरोधरे हानि घटिब। एहा सहित उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेब। रोजगार क्षेत्र रे आपणंकु निज कौशल देखिबार अवसर मिलिब। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथीक सहित संपर्कर विशेष ध्यान रखंतु, एवं अनावश्यक वाद बिवादरु आपण दूरै रहंतु। वाणीरे संयमता बजाय रखिबा द्वारा मानसिक चिंतारु मध्य मुक्ति मिलिब। किंतु पितांक स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु। छोट भाई भौणीक सहयोग लागि रहिब, एवं आपणंक कार्यक्षेत्र रे धीर प्रगति हेब। किंतु आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे स्थिति आहुरी मजबूत हेबाकु लागिब। उच्च अधिकारी वर्गंक ठारु प्रोत्साहन मिलिब। रक्षा क्षेत्र जड़ित व्यक्तिंकु जश ओ मान सम्मान प्राप्ति हेब। कला संगीत ओ साहित्य क्षेत्र रे आपणंक रुचि बढ़िब। समाज कल्याणकारी कार्य रे आपणंक सहभागिता वृद्धि पाइब, एवं वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे स्थिति सामान्य रहिब। आज आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणंक राशि स्थान रु चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणंक निज व्यापार क्षेत्र रे सामान्य क्षतिर स्थिति उत्पन्न करिब। सरकारी चाकरी क्षेत्र रे
उच्च अधिकारी और सहकर्मी सहित मतभेद देखा दे पारे किंतु भविष्यत योजना विषय विचार विमर्श करिबे। सामाजिक कार्यक्षेत्र आपणक छवि हानि घटव। पारिवारिक जीवन माता सहित किसी वैचारिक मतभेद देखा दे पारे किंतु आपण निज बुद्धि और बाणीकौशल स्थिति को नियंत्रित रखिबार सफल हेबे। पारिवारिक सुखरे मध्य हानि घटव। जीवन साथी सहित संपर्क विशेष ध्यान रखंतु एवं अनावश्यक जुक्ति तर्क ओ बाद विवादरु दूरै रहिबा आवश्यक। आपणक पारिवारिक खर्च रे वृद्धि घटिब किंतु पितांक मार्गदर्शन रु लाभ प्राप्ति हेब। गृहर कोनोसी सदस्यक स्वास्थ्यावस्था को नै आपण चिंतित रहिबे एवं आर्थिक क्षेत्र रे किछि चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हेब। धनहानि कारण रु कार्य रे किछि अस्थायी अवरोध उत्पन्न हेब। सेथि पई आपणक किछि मानसिक चिंता हैरान करिब। सेथि पई मन को शांत तथा एकाग्र रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण श्री गणेश ओ माता लक्ष्मी को संयुक्त उपासना करंतु शुभफल पाइबे। कर्कट राशि आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणक जश रे वृद्धि करिब एवं आपणक मान सम्मान रे मध्य वृद्धि घटिब। समाज सेवा कार्य रे प्रसन्नता सहित आपण भाग नेबे एवं लोके आपणक प्रशंसा करिबे। राजनीति संबंध व्यक्ति वर्चस्व तथा पराक्रम रे वृद्धि घटिब एवं पारिवारिक जीवन रे परिवार रे हस खुशी वातावरण लागि रहिब। भाई मानक विशेष सहयोग प्राप्ति हेब एवं माता पिता सेवा करिबार अवसर मिलिब। प्रेम संबंध पई समय उत्तम अनुकूल रही सेथिपाई मनरे प्रसन्नता अनुभव करिबे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक उन्नतिर निश्चित जोग रही एवं भविष्यत पई किछि संचित योजना रे आपण निवेश करिबे एवं निजर समस्त कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करिबे। व्यवसायी वर्गक पई एही समय उत्तम लाभदायक रहिबो। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रही किंतु धा दौड़ा और कार्यव्यस्तता कारण शारीरिक थकापण और शरीर रे पीड़ा अनुभव करिबे। आज आपण निर्धन व्यक्ति सहायता करंतु शुभफल पाइबे। सिंह राशि आपणक धन भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणक वाणी को मधुरता प्रदान करिब। भूमि और भवन आदि क्षेत्र रे आपण सफलता प्राप्त करिबे एवं कोनोसी प्रकार वाद विवाद पूर्वरु लागि रही थिले आज तहार समाधान हेबार संभावना रही। आपणक सामाजिक क्षेत्र विकास हेब। कार्यक्षेत्र रे लोके आपणक कार्यशैली रे प्रभावित हेबे एवं पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी सहित उत्तम समय व्यतीत करिबे। परिवार रे प्रेम तथा उत्साह वातावरण रहिब। पितांक सहयोग तथा तांक मार्गदर्शन रु आर्थिक उन्नति हेब एवं प्रेम संपर्क रे मधुरतार भाव रहिब। प्रेमिंक सहित आपण उत्तम समय व्यतीत करिवार अवसर पाइबे एवं आर्थिक स्थिति मजबूत हेब। आयर नुआ स्रोतरु धनर आगमन हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र रे मनोयोग देबे एवं परिश्रमर उत्तम परिणाम पाई परिबे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे उत्तम लाभ परिणाम पाइबे किंतु अनावश्यक खर्च रे ध्यान रखंतु। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिब। आज आपण शिवलिंग रे दुग्धाभिषेक करंतु शुभफल पाइबे। कन्या राशि चंद्रदेवंक आपणंक राशि स्थान रे गोचर पूर्वरु लागि रहिथिबा समस्यारु आपणंकु मुक्ति प्रदान करिब एवं आपणंक व्यक्तित्व रे आकर्षण बा चमक आसीब। आपणक व्यवहारिक विचार समाज रे आपणक प्रतिष्ठा प्रदान करिब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक समय शुभफलदायक सिद्ध हेब एवं उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेब। पारिवारिक जीवन रे परिवार रे सुख शांति और हस खुशी वातावरण लागि रहिब। जीवन साथी संपर्क रे मधुरता आसीब एवं तांक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। भाई तथा बंधुमित्रंक सहयोगरु आपणंक मनरे प्रसन्नता तथा आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिब। प्रेम जीवन रे संपर्क रे घनिष्ठता आसीब एवं राजकीय पक्षरु आर्थिक लाभ मिलिब तथा आपणंक आर्थिक स्थिति आहुरी मजबूत हेबाकु लागिब किंतु अनावश्यक खर्च रे वृद्धि कारणरु आय व्ययर संतुलन खराब होई पारे।
अजथा जुक्ति तर्क ओ बाद विवादरु मध्य आपण आज दूरै रहन्तु एवं आपणंक स्वास्थ्यावस्था सामान्य रहिबो किंतु स्वास्थ्य प्रति सावधान रहन्तु। आज आपण गुरुजन तथा वयोज्येष्ठंक आशीर्वाद नियंतु शुभ फल पाइबे। तुला राशि आपणंक राशिरु चंद्रदेव द्वादश भावरे गोचर करिबे अर्थात आपणंक अनावश्यक खर्चरे वृद्धि घटिबो आर्थिक स्थिति असंतुलित हेबार संभावना रहिछि। चाकरी और व्यवसाय क्षेत्र रे किछि अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होई पारे। शत्रु और विरोधी माने आपणंक विरुद्ध रे षडयंत्र करिबे सेथि पई आपणंकु विशेष सावधान रहिबा उचित। अधिकारीक पक्ष रे आपणंक संबंधर ध्यान रखंतु एवं पारिवारिक जीवन रे परिवारर खर्चरी वृद्धि आपणंकु मानसिक चिंतित करिबो। आपण निज भविष्यत तथा पारिवारिक संपर्क को नहीं चिंतित रहिबे एवं माता पिता आशीर्वाद रु समस्त समस्यार समाधान करिबार प्रयास सफल हेबो। धैर्यवान तथा एकाग्र चित्त होई निज कर्तव्यर निर्वाहन करिबे। आर्थिक स्थिति आपणंक चिंतार कारण हेबो एवं आयर नुआ स्रोतरे ध्यान केन्द्रित करिबार आवश्यक रहिछि। रोजगार रे परिवर्तन पई समय शुभ नुहे। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु शिक्षा क्षेत्र रे अधिक परिश्रम करिबाकु पड़िबो एवं स्वास्थ्य प्रति सावधान रहिबार आवश्यक रहिछि। आज आपण गोमातांकु खाइबाकु दियंतु शुभ फल पाइबे। बिछाराशि चंद्रदेवंक आपणंक एकादश भावरे गोचर आपणंक लाभर स्थिति को वृद्धि करिब। भूमि भवन तथा खनिज पदार्थर व्यापार रे जड़ित व्यक्ति अप्रत्याशित लाभ अर्जन करिबे एवं आपणंक द्वारा पूर्वरु करा जाइतबा कार्यरे आपणंक मान सम्मान ओ पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिब। पारिवारिक जीवन रे किछि शुभ समाचार मिलिबारु मनरे प्रसन्नतार भाव रहिब एवं पारिवारिक वातावरण सुखद रहिब। गृहर छोट बालक मानंक सहित आपण उत्तम समय अतिवाहित करिबे एवं परिवार रे समस्तंकु नम्रतापूर्ण व्यवहार द्वारा लाभ तथा मानसिक शांति प्राप्ति हेब। आपणंक प्रभावपूर्ण वाणी परिवार सदस्यंक संपर्क रे घनिष्ठता आणिब एवं छोट भाई भौणी आपणंकु अनुसरण करिबे। पितांक पक्षरु पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब एवं आपणंक आर्थिक पक्ष मजबूत रहिब। पूर्वरु देइथिबा अबकिया अर्थ आज आपण फेरी पाइबे एवं किछि गणमान्य व्यक्तिंक सहित देखा साक्षात मध्य करि परंति। व्यवसायर स्थिति उत्तम हेबाकु लागिब एवं लंबा समय रु देखा देउथवा स्वास्थ्य समस्या रु आज मुक्ति मिलिब तथा आपण शारीरिक ऊर्जावान अनुभव करिबे। आज आपण शिव पंचाक्षर मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। धनुराशि आपणंक दशम भावरे चंद्रदेवंक गोचर आपणंकु कोनोसी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करिब। आपण कर्मठता सहित निज कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली रे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने प्रेरित हेबे। नुआ व्यवसायर प्रारंभ पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं पारिवारिक जीवन रे परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब तथा संपर्क रे घनिष्ठता आसिब एवं संतान आपणंक मार्गदर्शनर अनुसरण करिबे। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब एवं जीवनसाथीक सहित हस खुशी समय अतिवाहित करिबे किंतु प्रेम संपर्क रे सामान्य सतर्क रहिबाकु पड़िब अन्यथा प्रेमींक सहित संपर्क रे फाट सृष्टि होई पारे। आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा मजबूत हेबाकु लागिब एवं आयर नुआ स्रोतर निर्माण हेब। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपणंक रुचि बढ़िब किंतु आज आपण अनावश्यक यात्रारु दूरै रहन्तु। पुराणा बंधुमित्रंक सहित देखा साक्षात करी प्रसन्नता अनुभव करिबे। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिब किंतु श्वास संबंधित रोगी विशेष सावधान रहन्तु। आज आपण माता लक्ष्मीक पूजा अर्चना करंतु शुभ फल पाइबे। मकर राशि आपणंक नवम भावरे चंद्रदेवंक गोचर आपणंक लंबित कार्यरे प्रगति आणिब एवं आपण पराक्रमी तथा कर्मठ रहिबे। कार्यक्षेत्र रे समस्त समस्या को समाधान करी सफलता पाइबारे सफल हेबे। राजनैतिक क्षेत्र रे आपणंक वर्चस्व
तथा मान सम्मान वृद्धि घटिब एवं पारिवारिक जीवन परिवारर सुख समृद्धि पई आपण व्यय करिबे जीवन साथी पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेबो। विदेश संबंधित कोनोसी शुभ समाचार मिलिबारु मनरे प्रसन्नतार भाव रहिबो। बड़ भाईंक विशेष सहयोग आपणंक उन्नतिर कारण हेबो। पिता तथा वयोज्येष्ठंक आशीर्वाद मिलिबो एवं मातांक संपर्करे सुधार आसिबो। प्रेम जीवनरे नवीनता आसिबो एवं प्रेमींक सहित आपण हस खुशी समय व्यतीत करिबे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार हेबो किंतु पारिवारिक खर्च रे वृद्धि कारणरु आपण सामान्य चिंतित रहिबे। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु बंधु मित्रंक सहयोग मिलिबो। परामर्शदाता तथा प्रबंधन क्षेत्र जड़ित व्यक्ति विशेष रूप से लाभान्वित हेबे एवं आपणंक स्वास्थ्य अवस्था मध्यम रहिबो। सेथिपाई स्वास्थ्य नियमर पूर्ण पालन करंतु। आज आपण गोमातांकु खाइबाकु दियंतु शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि आपणंक राशि अष्टम भाव रे चंद्रदेव गोचररत रहिबे जहाँ फल किछि आकस्मिक समस्या आपणंक सामना करिबाकु पड़िबो। अनावश्यक खर्च आपणंक आर्थिक संतुलन को खराब करिबो। कार्य क्षेत्र रे कार्यर अधिकता बा असामंजस्यर स्थिति मानसिक चिंता वृद्धिर कारण हेबो। पारिवारिक जीवन रे परिवारर कोनोसी सदस्यंक सहित छोटो छोटो कथारे युक्ति तर्क ओ मतभेद देखादेवार संभावना रहिछि। एहा व्यतीत दैनिक दिनचर्या रे मध्य व्यवधान उत्पन्न हेबो। भाई भौणीक संपर्क मनमालिन्यर संभावना रही माता संबंध और स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखत। प्रेम जीवन परस्पर भावना को सम्मान करने द्वारा संपर्क सुधार आसब एवं आर्थिक दृष्टि अनावश्यक अर्थ देवाने को आपण टाड़ी दिंतु। कौन सी विश्वासी लोकंक साहय सहयोग आपणंक सहायक सिद्ध हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानू निज लक्ष्य प्राप्त करने अधिक संघर्ष करने को पड़ब। रोग विष ओ शत्रु ठारु विशेष सावधान रुहंतु अन्यथा क्षतिर संभावना रहिछि। आज आपण महामृत्युंजय मंत्रर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। मीन राशि आपणंक राशि स्थानरु सप्तम भावरे चंद्रदेवंक गोचर आपणंक कार्यक्षेत्ररे सहकर्मींक सहयोग प्राप्त कराइब। सरकारी क्षेत्ररे कार्यरत व्यक्तिंकु विशेष लाभ मिलिब। पारिवारिक जीवनरे जीवन साथींक सहित नुआ व्यवसाय प्रारंभ करिबा समय शुभ रही पारिवारिक सुख समृद्धि वृद्धि घटिब एवं सफलता मिलिब। परिवार सदस्यंक पूर्ण सहयोग आपणंक उपरे लागि रहिब। माता पितांक मार्गदर्शन तथा तांक आशीर्वादरु आपण विशेष लाभवान हेबे। प्रेम सम्बन्धरे स्थायित्व प्राप्ति हेब एवं व्यवसायरे नुआ निवेशर संधान करी सफलता पाइबे। आयर नुआ स्रोत विकसित हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु शिक्षकंक प्रोत्साहन प्राप्ति हेब। कला तथा मनोरंजन उद्योग संबंधित व्यवसायंकु लाभ मिलिब। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब एवं संतान पक्षरु सुसंवाद पाई मनरे प्रसन्नता अनुभव करिबे। किंतु हृदय रोग प्रति विशेष सावधान रुहंतु तथा स्वास्थ्य नियमर पूर्ण पालन करंतु। आज आपण माता लक्ष्मी को गोलाप फूल ओ अतर अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। तो बंधुगण यहाँ थिला आजर राशिफल विषय। जदि भिडियोटी आपण मानको भल लगी थाए लाइक शेयर और कमेंट करी जनांतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।